हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर दिनेश पवार पर। तो फैमिली सुबह से उठकर घर का काम ही कर रहे हैं। अभी देखिए ये पानी गर्म हो रहा है, दिनेश जी चाय बना रहा है, और रश्मि ये गोबर से लीपने के लिए बाहर गोबर ऐसा बनाया है। ये देख, पहले दूध उबाल रहा है। धरे बोल, आम फरिन बोल। नमस्कार फ्रेंड्स, कल गैस भर के लाया और शाम को हमने सेट नहीं किया था। पूजा जी बोल रही थी, बोले चूल्हे पर ही खाना बनाएंगे, बोले आज तो आज चाय बना रहे हैं सुबह सुबह। हो जाएगी। अरे कहा हुआ कि मुझे क्यों करा, ये थोड़ा आवाज आ रहा था, ये हमने सेट करने में थोड़ा ये हो गया था, पर अभी हिला कर एक फिट किया तो बंद हो गया है। तो अभी चाय चाय से शुरुआत कर रहे हैं, और गुड़ का और शक्कर का चाय बनेगा हमारा। तो दूध को उबाल लिया है थोड़ा। गुड़ का और शक्कर का चाय होता है तो है ना, वो चाय फट जाता है, तो पहले दूध को उबालना पड़ता है, बोले ऐसा जानकारी मिला है। तो उसके बाद में शक्कर गुड़ डालने से चाय फटता नहीं। ये वाला 15 रुपए का गुड़ और शक्कर, ये इससे बनेगी चाय, ताऊ भी है और खारी भी। और एक देखिए अपना है पप्पी पप्पी शिवम ने नाम शायद रख दिया है, तो इसे हमने कल लाया है, तारिणी ने खेलने के लिए उठा लिया है। और इसकी खास बात यह है कि इसके है ना पूरे 20 नख है, और जिसके 20 नख होते हैं कुत्ते के उसको शुभ माना जाता है हमारे में। और बाकी बहुत कुत्ते ऐसे होते हैं कि इसके बस 18 नख होते हैं, ये वाले पांच पांच चारों पैर को पांच पांच नख है, पीछे है ना पीछे के पैर को कुत्तों को नख नहीं होता, शायद होता है किसी किसी को, पर इससे है ना चारों पांच नख वाला कुत्ता मिला है। क्या बोला उसका नाम? पप्पी 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 भाग गया उधर। तो ये हमारा घर का सदस्य नया आ गया है और हमेशा हमारे साथ में रहेगा। वो देखिए ला लिया उसे। सोया हुआ है इसलिए जागेगा तब ले जाएंगे। खुद तो इस बार उठ से तो धोला है, पानी डाल कर भी उबाल आया है दूध में। अभी इसमें शक्कर और चाय छोड़ देते हैं और गुड़ को है ना बाद में छोड़ेंगे। यादगार चाय। मत करो तारे ने, परेशान नहीं करना।
और ये वाला लोखंड काम आएगा अपना इस गुड़ को। ए चिल्लाओ मत, गुड़ फोड़ दो, चलिए ना हो गया है। और फिर बर्तन बर्तन तो हो गए हैं, पर अभी रश्मि ये देखें गोबर से लीप रही है और दिनेश जी अंदर चाय बना रहे हैं। अभी लिपेंगे चाय, फट गया है फ्रेंड्स। हाथ धो ही ये देखिए कैसा दिख रहा है। दो बार हो गया है, ऐसा क्यों हुआ हो रहा है। किसी ने बोला है कि पहले दूध उबालना चाहिए, फिर बाद में शक्कर, फिर बाद में गुड़ डालना चाहिए, ऐसे नहीं फटता है बोले। पहले बनाते थे तो वो नहीं फट रहा था चाय, पर अभी क्या मालूम क्या जजमेंट छूट गया है कि चाय है ना फट जा रहा है। पहले फैमिली बचपन में है ना, ऐसा जो चाय फट जाते थे वो हमें बहुत पसंद आता था, पर अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको ये ऐसा चाय पसंद नहीं आता है, पर फिर भी हम है ना फ्रेंड्स बाहर थे जाने पार पी लेते हैं, फट भी जाता है तो चाय पी जाते हैं हम, पर यह अच्छा नहीं लगता है। चाय हो गया है, अभी ये काम कर रहे हैं, ये करने के बाद में पिएंगे, तब तक गैस बंद करते हैं ना आशय रोकर बाहर चली गई। देख तो शिवम क्या चली गई। दर चारे ने अब हना मतलब कुछ चालो ने एक तो अंदर रहो एक तो बाहर रहो, पर ऐसे मत करते फिर सुखने का। हमारा चाय तो खराब हो गया है फैमिली, पर तो भी पी जाएंगे। शत्रानी बाहर निकल, मैं मुंह धोता हूँ फ्रेंड्स और चाय भी पिएंगे, गर्म पानी भी हो रहा है, सब नहाना बाकी है। पानी नहाने के लिए है कि नहीं देखते हैं, कम है पर शायद हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो चाय पीने के लिए तब तक मुंह धोना है, तो मुंह धो लेते हैं। मुंह धो लिया है फ्रेंड्स और ये पूरा
गोबर से गिल रहे हैं, जाने के लिए रास्ता भी नहीं रहा। तो चलो, चाय का काला हो गया चाय। अरे बाप रे, ऐसा अभी है ना फ्रेंड्स, स्पेशल गुड़ का ही बनाएंगे या फिर स्पेशल शक्कर का ही बनाएंगे, ऐसा टेस्ट करके देखेंगे। तो ला लिया है शिवम ने, और ला, किसी को फोर्स नहीं करेंगे हम, जिसे भी पीना हो चाय वो पिएंगे, क्योंकि ऐसी चाय सबको पसंद नहीं आती है। जैसे क्या बोलते हैं उसे, वो गरम कुछ होता है वैसे दिख रहा है वो चाय। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फैमिली ऐसा फूट गया है, मतलब हम इसे फटा हुआ बोलते हैं, पर हिंदी में फटा हुआ बोलते हैं। तो हमने निकाल लिया है अभी, जिनके उनके मन से सब पिएंगे। तो आओ, आप पसंद हो तो हमारे साथ पियो फैमिली। पूजा जी को पसंद नहीं है ऐसा चाय, उनकी इच्छा होगी तो भी पिएगी, नहीं तो नहीं। तो चलो फैमिली, चाय को खत्म करते हैं और मिलते हैं आगे। फैमिली मेरा चाय तो पूरा हो गया है, अभी इसे है ना लखानी के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि हमें है ना पहले तो पूछना पड़ा कि पिएगे कि नहीं पिएगे, तो पीने के लिए हाँ बोला है, इसलिए भेज रहे हैं चाय। और खुशी इस बात का है कि है ना पूजा जी भी पीने के लिए बोल रहे हैं, पिएगे बाद में वो काम खत्म करके। तब तक अभी हम देखते हैं क्या बताना है आगे, क्या नहीं, पूरा तो हम बता चुके हैं। और नीलकंठ को बुलाया था, वो सो रहा था, लगभग उसे ही बुलाऊंगा, जो हम चाय देने के लिए चला गया है। तो पूजा जी ने नहाने के लिए मेरे को बोला, गर्म पानी हो रहा था, और ये देख सकते हो इतना यह सब कर दिया है आंगन को साफ सुथरा, और गोबर से गिल दिया है। अभी हम नहाएंगे, चलो तो नहाकर मिलता हूँ। तो फैमिली सब हो गया है, और अभी पूजा जी भी चाय रही है। हाँ, उसे पसंद नहीं है पर फिर भी पी जाती है, बहुत बोलती है हमें। तो चाय उन्होंने पिया है मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला कि चाय शक्कर की वरना गुड़ की ऐसा करो, तो रहने तो बोले मैं कर लूंगा, तो फिर मैंने बोला था बहुत। तो कोई नहीं, चलो अभी सब हो गया है, और यह हमारा आज का आप सभी के सामने नया मेहमान है, हमारे साथ में रहेगा अभी से। तो इसका नाम क्या बोला, पप्पी। देखो पूजा जी ने मार दिया। तो चलो फैमिली, धीरे धीरे सबको लगाव हो जाएगा इनसे, ये तो
सब जानते हैं और उसे भी बहुत पसंद है। तो अभी क्या करना है, आज इनके कुछ कपड़े हैं वो रखेंगे और ग्लव्स रखेंगे और अपना कुछ मीठा बनाएंगे शाम को। तो आप सभी का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, हम यही चाहते हैं। और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, कल का दिवाली है, क्या होता है हमारे घर क्या नहीं, आप सभी का आशीर्वाद रहा तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो मिलते हैं आगे फैमिली, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खंडेश।